बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान था, उसने अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की। भाइयों से कहा कि जायदाद का हिस्सा मैं आपके सुपुर्द करता हूँ, वालिदैन की खिदमत आप मेरे सुपुर्द कर दें। सौदा कर लिया, चुनाचे उसने माँ बाप की खूब खिदमत की। माँ बाप फौत हो गए। उसने ख्वाब में देखा कि कोई उससे कहता है कि फला पत्थर के नीचे 100 दिनार मिलेंगे, क्योंकि तूने माँ बाप की बड़ी खिदमत की है। पूछा, उसमें बरकत होगी? कहा, बरकत नहीं होगी। नौजवान ने कहा, मैं नहीं लूँगा। सुबह उठा, बीवी को बताया। बीवी ने कहा, बेशक ना लेना, लेकिन जाके देखो तो सही, पड़े हुए भी हैं या नहीं पड़े हुए हैं। उसने कहा, जब लेने नहीं तो मैं जाकर देखता भी नहीं। दूसरी रात फिर ख्वाब आया कि 10 दिनार फलां पत्थर के नीचे पड़े हैं, अभी मौका है, ले लो, तुम्हारी खिदमत के बदले मिल रहे हैं। पूछा, बरकत होगी? कहा कि बरकत तो नहीं होगी। नौजवान कहने लगा, मुझे नहीं चाहिए। तीसरी रात फिर ख्वाब आया कि फलां पत्थर के नीचे 1 दिनार पड़ा है, अब जाकर ले लो, अब मौका है। पूछा, बरकत होगी? कहा, हाँ बरकत होगी। वो सुबह उठा, उस पत्थर के नीचे से जाकर दिनार उठा कर ले आया। घर आते हुए ख्याल आया, क्यों ना आज घर में कुछ पकाने के लिए अच्छी चीज़ ले जाऊं। उसने मछली खरीदी। जब घर आया और उसकी बीवी ने मछली को काटा, तो उस मछली के पेट में से एक ऐसा मोती निकला, जिसको बेचा तो उनकी ज़िंदगी का पूरा खर्चा निकल आया। ये बरकत होती है, अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज्क देता है कि इंसान को वहम व गुमान भी नहीं होता।